की बात है, आदमी कमाने के लिए अपने घर से बाहर जाता ही है, भैया जी का घर भी यही है, लेकिन उस परिवार को बांधने का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है, जो सबसे बड़ा धागा होता है, वो होती है माँ। माँ निश्चित रूप से ये चाहती तो है कि मेरा बच्चा बहुत तरक्की करे, लेकिन उस तरक्की के लिए जब उसको अपने बेटों से, अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से दूर होने की पीड़ा को सहन करनी पड़ती है, वो उसके कलेजे को भाती नहीं है, निश्चित रूप से नहीं भाती। किसी भी कीमत पर उस ममता की छांव का, जो आंचल का जो छाया है, उसका हम पार नहीं कर सकते। माँ के परिप्रेक्ष्य में बहुत सुंदर सी एक रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सभी को पसंद आएगी। मेरी माता है, मैंने विशेष रूप से इसको सुने। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, हर परिवार से एक ना एक बच्चा अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं बाहर बैठा है। रमेश भैया देवगढ़ में बैठे हैं, मैं सोजित रोड अपने परिवार से थोड़ा सा दूर यहाँ पाली में रहकर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बाबूजी ने सुदूर प्रांतों तक अपनी सेवाएं दी। इसी प्रकार से नरेश भाई दूर रहकर अपनी माता जी से, दूर रहकर अशोक भैया दूर रहकर अपने माता जी से और अपनी रोजी रोटी के लिए बसर गुजर बसर करते हैं। बस वही एक भाव लेकर मैं आप सभी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल के उसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती माँ, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती माँ, रात में अपनी ममता मुझको सुलाती थी माँ, सोच के दिल में एक टीस उठती रही, सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर,
जब शहर के लिए रवाना हुआ, अब जब विदा करने वाले लोग, सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा। चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता है।
गुजारी मैंने तेरी तस्वीर लगा दी है घर लगता तेरी तस्वीर लगा दादरे में और वो भी ये भाव है ये मैं जानबूझ के किया नहीं ये हो गया है That's
सफर लगता। बड़े प्रेम से एक बार अपने माता पिता और गुरुदेव के लिए जयकार बोले। बोली श्री माता पिता गुरुदेव की।